नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। बरेला जबलपुर लोकतंत्र के महापर्व के मतदान दिवस पर पनागर विधानसभा क्षेत्र बरेला नगर के मतदाताओं में दिखा उत्साह। मतदान प्रारंभ से ही सैकड़ों की तादाद में उपस्थित हुए मतदाता। पनागर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 101 में क्षेत्र बरेला नगर के मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां मतदाता सुबह से ही सैकड़ों की तादाद पर मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अपने मतदान का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाई। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस से संभागीय ब्यूरो चीफ जयराज चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जयराज चौधरी। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको लेकर आए हैं पनागर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि जबलपुर जिले की बहुत ही प्रशंसनीय विधानसभा है, जिसमें कुल 255,000 कुछ मतदाताएं हैं, जिनमें से 144,000 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 124,901 महिलाएं मतदाता हैं। जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर, मतदान दिवस पर, आज जो कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि पना बूथ बनाया गया, जिसमें आज सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं का जनसैलाब उमड़ रहा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे बीच में आज वो मतदाता भी हम उपस्थित हैं जो कि चलने में असमर्थ हैं, लेकिन वो अपने मतदान का महत्व समझते हुए आज मतदान करने पहुँचे हैं। दादा नमस्कार, आज आप यहाँ पे मतदान करने आए, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? आज यहाँ पे हमने देखे में महसूस किया कि आज हमारे यहाँ के मतदाता बिल्कुल अपने मतदान का महत्व समझते हुए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो आज हम यहाँ समझ सकते हैं कि लोकतंत्र आज हमारे बीच में हमारे जागरूक मतदाता भी उपस्थित हुए हैं। आज हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि आज पनागर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या होने वाली है। सर नमस्कार। नमस्कार। हर एक मतदाता को अपना कर्तव्य निभाते हुए उचित समय पर आके करना चाहिए। आज यहाँ पे देखा है, बताया जाता है कि पनागर में परिवर्तन की लहर है, कि क्या भाजपा सरकार पुनः अपनी स्थिति बना पाएगी? क्या दृष्टिकोण है सर आपका? नॉर्मल में कुछ कह नहीं सकता। अपना परिचय देंगे। पनागर विधानसभा के मुख्य जो क्षेत्र होते हैं बरेला नगर में, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि श्री अरविंद तिवारी जी। आज हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि पनागर विधानसभा क्षेत्र में क्या कांग्रेस की क्या स्थिति है। सर नमस्कार, एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सर बताना चाहेंगे जो पनागर विधानसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है, उसमें क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, और पनागर विधानसभा में भी जो पिछले विधायक थे उनके खिलाफ में माहौल बना हुआ है। अभी देखने में ये आ रहा है कि हमारा प्रत्याशी जो है घर घर जा रहा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस का विधायक बनेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर जैसा कि देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश की जनता जो परिवर्तन चाह रही है, क्या वो समीकरण यहाँ पे सटीक बैठ पाएगा? जैसे कि बताया जाता है जो पनागर विधानसभा लहर चल रही है कि यादव समाज और पटेल समाज जो कि यहाँ पे बहुसंख्यक हैं, वो यहाँ पे अपनी स्थिति बना पाएंगी? देखिए, जाति के आधार पर कभी चुनाव नहीं है। ये व्यक्ति ये देखता है कि हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा कैसे हो, और यहाँ पर हमारा जनप्रतिनिधि मिलनसार होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, और विकास के लिए अग्रसर होना चाहिए। और हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी राजेश पटेल जो है विगत कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे थे, और कांग्रेस चाहती है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, स्टेडियम हो, अस्पताल हो, अच्छी शिक्षा का विकास हो, किसानों को सुविधा मिले, बहनों को सुरक्षा मिले। इन्हीं बिंदुओं पर लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, और आज हर मतदाता चाहता है कि परिवर्तन हो। आज हम आपको लेकर आए हैं पनागर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य नगर बरेला में, जहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं नगर परिषद अध्यक्ष बरेला श्री प्रतीक दुबे जी। आज हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि पनागर विधानसभा की क्या स्थिति, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं इंदु तिवारी जी, वो आज पुनः अपनी सरकार बना पाएंगे, या कि जो परिवर्तन की लहर जो सुर्खियों में है, क्या परिवर्तन हो सकेगा? प्रतीक जी बताना चाहेंगे कि पनागर विधानसभा में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे पहले आज लोकतंत्र के इस पावन त्यौहार में मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें, यह आपका मौलिक अधिकार भी है,
इसको अपने देश के, अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र के निर्माण के लिए सदुपयोग करते हुए हमें अपने केंद्रीय नेतृत्व पर, हमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर जो केंद्र में सरकार ने जन कल्याण और गरीब कल्याण खान के काम किए। जयराज भाई, ये आपको आज आप रिकॉर्ड कर लो, ये आप तीन कारक के नतीजे आएंगे उस दिन, आपको जो गरीब कल्याण की वोट है आपको दिखेंगी, आप परिवर्तन दिखेगा लोगों में परिवर्तन हुआ, लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ। तो मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और हमारे पनागढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने, जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, आप भी बरेला के निवासी हैं, मैं सभी से आग्रह भी करता हूँ आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करें। तो भाई साहब, देखा जा रहा है कि जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, लाडली बहना योजना का जो योगदान लाडली बहनों के लिए था, क्या उसमें क्या फर्क देखने को मिल रहा है? लाडली बहनों में इतना उत्साह है जयराज भाई कि हम जिस गांव में भी जाते हैं, महिलाएं हमसे बोलती हैं, भैया आप तो बिल्कुल आश्वस्त रहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें हवाई चिंता की है, लोगों की चिंता करी, इससे पहले कभी ने महिलाओं की चिंता की है आप बताइए? कभी नहीं की। किसानों की चिंता कर रही है, 3100 रुपये धान खरीदी के आगे उत्साह किसानों में देखने मिल रहा है, बम्पर वोटों से हमारी पनागढ़ विधानसभा भी और हमारी प्रदेश में सरकार भी बन रही है। जैसा कि आज हमारे बीच में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतीक दुबे जी हमारे साथ उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि पनागढ़ में जो 2 दशकों से भाजपा सरकार अब पूर्ण बहुमत